Good morning, plus two class students. So today we will study about the chapter solution. First of all, we will start with terms of the solutions. First term is mole fraction. So what is mole fraction? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसा हमने कल पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है. सो सॉल्यूशन को बनाने वाले कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो मोल फ्रैक्शन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. जो भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जिसकी हमें निकालनी है उसे ऊपर रखा जाएगा, डिवाइड कर देंगे जितने कॉम्पोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं. जैसे एन ए एंड एन बी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. सो इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देन वी विल राइट एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी. एंड इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, देन एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी. मतलब अगर हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. उसी तरह से अगर हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है ऑफ सॉल्यूट, तब हम क्या करेंगे? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को नीचे रखेंगे, दैट इज एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी. नेक्स्ट टर्म इज द मोलैलिटी. मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स को डाला गया है, सॉल्यूट्स के मोल्स को डाला गया है, उसे उसकी मोलैलिटी कहेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो बाकी सब टर्म सेम रहेंगी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू में 1000. So molality is the when number of moles of solutes are added in the 1 kilogram of the solvent. अगर solvent के अंदर solute की addition की जाती है तब उसे molality कहा जाता है, उसे represent करते हैं with small m. Next term is the molarity. तो molarity is defined as number of moles of the solute dissolved per liter of the solution. In molality there is a solvent but in molarity there is solution. It is represented by the capital M. So number of moles of the solute divided by volume of solution in liter. Next is the normality. इन नॉर्मैलिटी वी विल डिफाइन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स. कितने ग्राम इक्विलेंट, अगर हमें इक्विलेंट ग्राम इक्विलेंट्स निकालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले इक्विलेंट वेट निकालना होगा. सो इक्विलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस या बेसिसिटी ऑफ एसिड या पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द सॉल्ट. दैट वैल्यू कन्वर्टेड इन टू द ग्राम्स, देन इट कम्स द वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स. सो जो नॉर्मैलिटी है उसके अंदर हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विलेंट्स को डाला गया है, दैट इज कॉल्ड इट्स नॉर्मैलिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से. सो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. नेक्स्ट इज द मास परसेंटेज. जो मास परसेंटेज है उसका मतलब होगा कितने मास ऑफ सॉल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डाला गया, यानी पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना मास डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड इट्स मास परसेंटेज. सो मास परसेंटेज इज मास ऑफ द सॉल्यूट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट डाउन दिस नोट्स ऑन योर कॉपी एंड लर्न इट. थैंक यू.